जय श्री श्याम सरोवर भक्त मंडली द्वारा रविवार को श्री खाटू श्याम का 53वां महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विधान नगर स्थित विधान गार्डन में संस्था द्वारा खाटू श्याम का भव्य दरबार सजाया गया। भजन कीर्तन के माध्यम से बाबा श्याम को रिझाने में भक्तगण लीन थे। आयोजकों ने बताया पिछले 53 वर्षों से संस्था द्वारा खाटू श्याम का यह महोत्सव काफी धूमधाम से मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में आज का यह भव्य धार्मिक अनुष्ठान आयोजित की गई है। इस मौके पर खाटू वाले श्री श्याम का अलौकिक श्रृंगार, अखंड ज्योति, अखंड संकीर्तन एवं श्री श्याम भोज का भव्य आयोजन श्याम भक्तों की ओर से की गई। वरिष्ठ सदस्य नरेंद्र रुरिया ने कहा, कोलकाता की सबसे पुरानी संस्थाओं में से एक है यह संस्था, जो धार्मिक अनुष्ठान के साथ साथ समाज सेवा के कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। हमारी कलकत्ता की बहुत पुरानी संस्थाओं में मानी जाती है और ये तो बहुत बड़ा आयोजन है। इसमें सवा मणि का प्रसाद लगता है, जो दाता देते हैं और वो सवा मणि प्रसाद हम लोग एज यूजुअल साधारण आदमी को दे देते हैं। कूपन सिस्टम जरूर है जिससे कि बने अनबैलेंस नहीं हो, व्यवस्था नहीं हो, परंतु सबको अलाउ है। यहाँ सवा मणि प्रसाद मतलब बढ़िया चीज मान चूरमा है, वो है, सब चीज वहाँ बना है और साधारण पब्लिक के लिए है। बहुत बड़ा आयोजन है और हम लोग बहुत जो कि बहुत पुराने श्याम बाबा 53 साल से हैं, इसे हमारी मंडल की तो बेटी दूसरी है। श्याम मंडलियों के भजन गायकों की भक्ति गीत पर भक्तगण झूम उठे। कार्यक्रम में उपस्थित श्याम भक्तों ने बताया, बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने से जीवन धन्य हो जाता है। करने वाला श्याम, कराने वाला श्याम, हमारी क्या औकात है जो हम करेंगे, जो बाबा कहते हैं वही कर देते हैं बस। सब मंडलियों की तरफ से ये भजन है, बाबा का प्रसाद है, सवा मणि लगती है करीबन 250 के करीब और यही सब है, कीर्तन है। ये 53 वर्षों से हो रहा है, ये 53वां अपना कार्यक्रम है। भजन कीर्तन हर साल होता है, ये भजन कीर्तन समझो क्या, 251 सवा मणि का भोग लगता है और सार्वजनिक भंडारा चलता है और ये हर साल हर जनवरी का सेकेंड वीक में होता है। अब इस बार 53वां है और 2 मार्च को खाटू श्याम में धर्मशाला का उद्घाटन किया जा रहा है, 2 मार्च 2020 को। 53वां अवसर बड़े धूमधाम से मना रहे हैं और आशा करते हैं इस साल से आगे साल और भी धूमधाम से मनाएंगे। सब लोगों का, सारा मेंबर लोगों का पूरा सहयोग है हम लोगों के साथ में और आम पब्लिक का भी पूरा सहयोग है और आशा करते हैं बाबा से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोगों को सहयोग मिले और बहुत बड़ी धूमधाम से कीर्तन करें बाबा का। सबको सबसे पहले जय श्री श्याम। मुझको ये कहने में बहुत गर्व हो रहा है कि हाँ, मैं भी अपने आप को एक श्याम भक्त मानती हूँ। ये सब बाबा की ही कृपा है कि आज बाबा का इतना बड़ा भव्य दरबार सजा है। ये हम सब मनुष्यों का कोई काम नहीं है, ये बाबा की कृपा है, इसीलिए हम लोग इतना एक सब कुछ कर पाए हैं। ये उन्हीं की कृपा से आज हम लोग यहाँ हैं और ये उन्हीं की कृपा है कि आज इतना कुछ यहाँ पे हो पाया है, वरना हम लोग में इतनी ताकत नहीं है कि हम कुछ कर सकें। ये उन्हीं का ही आशीर्वाद है, उन्हीं का ही सब कुछ है जिससे कि आज हम इस काबिल हुए हैं कि हम इतना बड़ा दरबार बाबा का सज सके और हम उसमें सम्मिलित हो सके और उनका आशीर्वाद पा सके। इनके लिए कुछ बोलना ही नहीं पड़ता, अपने आप ही सब कुछ, हम लोग एक सोचते हैं और चार अपने आप ही हो जाता है, तो कुछ करने की या कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं होती है। कल रात से चल रहे हैं, सजावट चल रही है, प्रसाद चल रहा है, लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, जोत ले रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। उत्साह का तो वर्णन नहीं किया जा सकता है। बाबा का जहाँ उत्सव हो वहाँ उत्साह की क्या कमी है। बाबा का उत्सव होना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा उत्साह है। ये बाबा का कीर्तन है, उत्सव है बाबा का, इससे जितनी आत्म संतुष्टि होती है किसी और प्रोग्राम में नहीं होती है। श्री खाटू श्याम के दरबार में इस दिन प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष शामिल हुए। उन्होंने बाबा के दर्शन किए एवं प्रसाद ग्रहण किया। संस्था के वरिष्ठ सदस्य नरेंद्र रुइया, मंत्री पवन कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष शिव कुमार रुइया, कीर्तन मंत्री प्रदीप कुमार रुइया, कोषाध्यक्ष विवेक रुइया, महेश शर्मा, राजकुमार जनसन सरिया, अरुण रुइया, मनोज सोनी, अनुराग वेदी, अभिषेक चोटिया, मनीष तिवारी सहित श्याम भक्तों के अथक प्रयास से कार्यक्रम सफल रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, युवा शक्ति, कोलकाता। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।